हेलो दोस्तों, माय नेम इज नीर विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। वीकर कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशन, तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं शॉर्ट मोबाइल। ये है इंटेक्स i4, उसकी पूरी तरह ये शॉर्टिंग हो चुका है। तो पहले देखते रहे शॉर्टिंग कैसे डिटेक्ट किया जाते हैं, तो डिटेक्ट करने के बाद उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे हम आपको। देखिए दोस्तों, ब्लैक प्रो लगाना है नेगेटिव पे और रेड प्रो लगाना है पॉजिटिव पे। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से शॉर्टिंग, बीच में रीडिंग आ रही है, तो पूरी तरह से शॉर्टिंग। तो आज देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है, और बने रहिए मेरे चैनल पे। और सबसे पहले बात दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट जरूर कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने उसका सब स्क्रू निकाल लिया, अभी बॉडी उसके डिस्पोज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको डिस्पोज कर लिया है हमने। तो हमें काम करने के लिए ये जो पत्रा या प्रोटेक्ट स्टील बोलते हैं, तो निकालना पड़ेगा। तो इसके बाद बताऊंगा कि शॉर्टिंग कैसे निकाली जाती है। देखिए दोस्तों, अभी जो पत्रा डिस्पोज है, जो प्रोटेक्टर सील है, वो मैंने निकाल ली है, लेकिन देखिए काफ़ी जंग खा गया था ये, यानी वाटर डैमेज था, तो किस वजह से शॉर्ट हुआ। पहले सबसे पहले पीसीबी क्लीनर से क्लीन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पीसीबी क्लीनर से इसको साफ कर लिया है मैंने। तो इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, अगर उस पर कुछ कार्बन या कैपेसिटर पे कुछ कार्बन या कुछ बैटरी कनेक्ट पे कार्बन आ गया, तो इसकी वजह से भी शॉर्ट होता है। अगर इस पर नहीं हुआ तो हम आगे के प्रोसेस करेंगे। देखिए अभी मीटर लेते हैं, तो ब्लैक जो रहते हैं अपने नेगेटिव पे रहेंगे और रेड रहेंगे तो पॉजिटिव पे। देखिए दोस्तों, शॉर्टिंग नहीं गई। तो एक सिंपल सा बता देता हूँ आपको कि शॉर्टिंग कैसे रिमूव की जाती है। तो होल्ड कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी कैमरा पॉज करने वाला हूँ, डायरेक्ट बता दूंगा किस तरह से निकाली जाती है। जो अपने FRP जो IC है, नेटवर्क IC जो है, उसके बाजू में कैपेसिटर है ब्राउन, तो उसको अभी हटा देना है। देखिए ये कैपेसिटर हट गया, तो अभी हम रीडिंग लेंगे। अगर रीडिंग के बाद शॉर्टिंग निकल गई तो बढ़िया, तो नहीं तो फिर आगे के प्रोसेस और किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये डायोड पर भी नहीं हुआ है, तो हम आगे के प्रोसेस करेंगे कि किस तरह दूसरा सॉल्व किया जाता है। तो जो रहता है बैटरी कनेक्टर बाजू में जो ब्राउन डायोड, उसको भी उखाड़ देते हैं, तो टूटने के बाद फिर शॉर्टिंग। देखिए दोस्तों, जो अभी चार्जिंग से जाते तो डायोड पर सप्लाई जाती है, यानी कैपेसिटर सप्लाई जाती है, उसको रिमूव करते हैं। हमने दो डायोड रिमूव करके देखे, फिर भी शॉर्टिंग नहीं गई। देखो यहाँ पर भी जो नेटवर्क IC के बाजू में रहता है ये, और बैटरी कनेक्टर बाजू में रहता हूँ, उसकी वजह से दोनों में 100% हो जाता है, लेकिन इसमें अभी वाटर डैमेज होने की वजह से ये नहीं हो रहा है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। देखो सीधा मेन IC के बाजू में, देखो दोस्तों बीप नहीं बज रहे, शॉर्टिंग निकल गया पूरी तरह से। तो इसका भी ऑन करके देखेंगे, और मेरे क्रिएट किया मीटर पे।
देखिए दोस्तों शॉर्टिंग किस तरह से निकल जाती है, निकल दिया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।